बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के रहेंगे, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी पर कोई सरकार ही नहीं है, कांग्रेस तो भुक्की नंगी है। ऐसा ही हुआ, किसी को नहीं मिला और पैसे कट गए बैंक में, अपना आप काट ले हैं। कर्नाटक में किस तरह दुआ दिया मोदी ने, बीजेपी के हम कंगन पहने हुए हैं, दुआ दे गुना स्वाहिर कर पानी मोदी की चालती कौन है। अब हम अपने चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं भवानी खेड़ा में। ये भिवानी जिले में पड़ता है और ये विधानसभा सीट है जहां से कि विधायक हैं, मंत्री हैं विशंभर। हरियाणा की बेटी हैं विनेश फोगाट। ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने से गोल्ड से वो चूक गई, जिसको लेकर के पूरा देश उद्वेलित है। लेकिन हरियाणा क्या सोचता है ये यहां के लोगों से जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि इनका क्या मानना। सबसे पहले इस युवा से पूछना चाहते हैं कि 100 ग्राम जो है वजन बढ़ा और बिटिया गोल्ड से चूकी, विनेश फोगाट क्या कहना है? वैसे तो ये सभी गलत है। गलत है तो आप लोगों का क्या मानना है कि इसमें कुछ साजिश हुई, कुछ गड़बड़ हुआ या नियम की वजह से हुआ? क्या यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, सोचते तो होंगे ना कि विनेश के साथ क्या हुआ। या तो प्रैक्टिस ऊपर मेन बात है, प्रैक्टिस करो वजन आप पे घट जाएगा। वजन की वजह से हुआ है, क्या लग रहा है आपको क्यों ऐसा हुआ विनेश के साथ? हमने नहीं बेरा, अपन तो बताया थी वजन कौन है घटे उसका। 100 ग्राम वजन ज्यादा था, यह राजनीति चल रही है। 100 ग्राम का कोई वैल्यू है? के वैल्यू 100 ग्राम की? वो कह रहे हैं कि नियम तो नियम है, 100 ग्राम नहीं, 1 ग्राम भी ज्यादा होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत गलत कर रहा है जी, अगर उन्हें पहले वेट करना था, उसके बाद अगर 100 ग्राम ज्यादा था तो उसी टाइम मना कर देते, उसके जो उसके बराबर की थी उसके साथ कुश्ती हो जाती। ये बहुत ना इंसाफी पैरिस की, बहुत बड़ी गलती है जी। गलती है, आपको क्या लग रहा है क्यों ऐसा हुआ? ये बहुत बड़ा गलत हुआ है उस बिटिया के साथ। मान लीजिए पहले वजन कर रखा था कि तो पहले वजन करना था, वो 3 बार जीत चुकी थी, बाद में उसके साथ ये गलत निर्णय हुआ है। पाँच वो नंबर लेना चाहिए था उसको। और आप क्या सोच रहे हैं इसमें किसकी गलती है, इसमें किसकी गलती आप लोगों को लग रही है? एक बात आ रही है ना कि जानबूझ के ऐसा किया गया। क्या जानबूझ कर तो कौन, वैसे ये 3 राउंड खेल रखे थे, सिल्वर तो देना चाहिए था। लेकिन एक बात ये भी तो है, जो सपोर्टिंग स्टाफ जाता है, जो कोच होता है, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप गाइड करेंगे। और उसमें एक विकल्प ये भी था कि आप बाल पूरा उतरवा देते, ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसमें गांव वाले क्या सोचते हैं? गांव वालों में आपस में चर्चा तो हो ही रही होगी ना? हाँ हो रही है जी, गाँव में चर्चा है। बहुत गलत है, नाइंसाफी उसके साथ जी, बहुत नाइंसाफी है जी। गाँव वाले क्या कह रहे हैं? बात बनेगी, ये बात तो बहुत बनेगी। आप जो बनाते हो ना पब्लिक ओपिनियन, इसे ये बहुत दूर तक जाता है ना। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, राजनीति चल रही है या पेरिस सरकार जा रहा है। राजनीति, इसमें राजनीति क्या मुद्दा? पेरिस में वो बिटिया खेलने जा रही थी, 100 ग्राम वजन, मान लीजिए उसका टूट भी सकता था, बद भी सकता, घट भी सकता था। 3 राउंड खेल चुके, अगर 1 गिलास पानी पी लिया तो उससे तो वजन तो बढ़ेगा ही, कुछ खा लिया या वो तो पहले वजन तो खेल रही होगी। वो बीमार होने पर तुलकी थी कोच, उन्हें डॉक्टर ने भी कही है या मर जाएगी, इसने ज़्यादा तंग करोगे तो ये घटक होने वजन। तो अब क्या है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो मोदी कहे बस की बात से, हमारे गाँव वाला बस की बात को नहीं, हम के कर सका, हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो जमींदार आदमी, हमने के पता हम के कर सका, इस बारे में कुछ कर सकते ही नहीं। जो हुआ है नाजायज हुआ है, गलत हुआ है। सरकार ये कह रही है कि हालांकि सरकार का इसमें डायरेक्ट रोल नहीं होता है, कि हम जो भी लड़ाई होगी ना इसके लिए भी कोर्ट होता है, उसको लड़ाई को लड़ेंगे। और इधर हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि जो सिल्वर मेडल वाले को मिलती है फैसिलिटी, वो सारा अवार्ड हम देंगे। तो इस पे आप लोग क्या कह रहे हैं? इंडिया सरकार ने तो कर दिया इसका डिक्लेयर, का सैम ने कर दिया था कि हम देंगे इसको, हरियाणा सरकार ने भी कर दिया हम देंगे इसको। अच्छा आप ये बताइए कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या माहौल बन रहा है? ये जो इसमें नायब सिंह सैनी बीच में आए हैं, कुछ किया आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा कर रहा है जी, बीजेपी बहुत अच्छी सुविधा दे रही जी, गरीबों को गैस के सिलेंडर भी दिए हैं जी, अनाज भी दे रही है जी, तेल भी दे रही है, और नौकरी भी पक्की कर रही है। नौकरी तो अभी पक्की नहीं हुई है जी, नौकरी जो पढ़े लिखे हैं उसको बिना रिश्वत के नौकरी मिल रही है जी। बारिश नहीं हो रही, नहर नहीं आ रही, नहर नहीं आ रही, बारिश नहीं हो रही और किसान तबाह हो रहे हैं। किसान परेशान है, परेशान है, महा परेशान है। और 2022 का मुआवजा खाएगी, 2022 का मुआवजा हरियाणा सरकार खाएगी। आप लोगों को नहीं मिला? बैंक में तो पैसे कट गए, बीमा के 40,000 रुपये कट रहे हैं मेरे 4 साल में। ऐसा ही हुआ,
मैं जमींदार हूँ नहीं जी, मैं जमींदार हूँ नहीं जी। आपको पता नहीं है इन्होंने फसल का जो बीमा कराया आपने किस्त दी और फसल खराब हो गई वो आपको नहीं मिला। सर्वे करके चले गए, सारे काम हो गए, सारे रिकॉर्ड धरे, और रुपये कट रहे हमारे 30-30 हज़ार रुपये, और 2022 का आज तक कौन दिया? कौन खा गया? सरकार खा गई और कौन खा गया, दिया ही नहीं तो। और ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ जी। अच्छा, ऐसा ही हुआ, खूब किसी को नहीं मिला और पैसे कट गए बैंक में, अपने आप काट ले हैं। आपका क्या कहना है कि सरकार 2022 वाला पैसा खा गई? मैं जी पेंशन नहीं बन रही थी, 6-6 लगा गया मैं, 6-7 का पेंशन नहीं बनती मेरी, सब बना सब कागज को उल्टे करते हैं मेरी। ये कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ, क्या है असल में क्या हुआ? कुछ नहीं, सब जनता भूखी में रहे यहाँ। मैं इन बात को मौजन रोके कह न रोक, सब किम दे सरकार, सब मिल रहा है। इस बीजेपी पर की सरकार ही नहीं है, कांग्रेस तो भूखी नंगी है। अच्छा। और सब की मोड़, पहले कांग्रेस थी सिलेंडर लेने जाया करते, उस गैस सिलेंडर नहीं मिला करता, 4-4 दिन धक्के खा खा जाया करते सिलेंडर, मोदी घर घर पहुंचा रहा है सिलेंडर। अच्छा, सुबह 3 बजे लाइन में लगते सिलेंडरों के लिए, अब गाँव में खुली गैस मिल रही है, अब खुली न बीजेपी रोटी पोक दे दिया तुम ने, देरी है तो इन दिन दी होगी, मार तो दिन दी को नहीं। ये गेहूं लेने ला रहा है, 6,000 रुपए सरकार दे रही किसानों को, 6,000 रुपए दे रही को लेना रहा कद दे रहे सरकार, गाय ना से पूरे हिंदुस्तान के बन रहे हैं, क्या खा ले रहे हैं भाई? आप मुआवजा नहीं मिला इससे नाराजगी है? कुल नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है, पैसे कट रहे हैं और 2022 का मुआवजा आज तक नहीं मिला। पानी ना आवे तो मोदी से नाराजगी बात है, यो तो लड़के पानी नहीं आया तो मोदी की वोट कौन दियो भाई, मैं तो पानी को नहीं आया, मोदी थोड़े आ पानी, गांव से पानी नहीं निकल रहा है, अब वोट नहीं मिलेगा गांव से। तक ले दिया पानी हरियाणा का और पंजाब का चाल रहा कितने दिन तक, दुआ दे गुना सवाल कर पानी, मोदी की चालती कौन है कौन के कर्नाटक में किस तरह दुआ दिया मोदी ने? अच्छा, आपका क्या कहना, आप बहुत देर से चुप है, क्या लग रहा है इस बार? तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के रहेंगे, बीजेपी अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा। पूरे गांव में ठीक ठाक है, सब आदमी ठीक है, सब बीजेपी के आदमी, बीजेपी की वोट है, बीजेपी के हम कंगन पहने हुए हैं। अच्छा जी, और आप आपका आपका क्या विचार बना फाइनल? मेरा कोई फाइनल नहीं, बस कुछ तो विचार होगा, वोट गिरूंगा जयराम जी की। जयराम जी की, हाँ। बाकी देख रहे होंगे यहाँ बीजेपी वाले समर्थक ज्यादा है, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी के हैं जी। अच्छा, उसकी वोट करेंगे। अच्छा, काम कैसा किया है बीजेपी ने? बढ़िया। अच्छा, सब बढ़िया। रोहतक बेल्ट में तो बीजेपी को लेकर के बहुत नाराजगी दिख रही है, ना कर रहा होगा जी। अच्छा, हमारे से कर रहा है खूब। आप ये बता दो बस कि क्या क्या, जब से सैनी आए हैं तब से क्या क्या बदला है, कुछ फर्क पड़ा है? हाँ जी, फर्क पड़ा जी, उसका 1,000 किलोमीटर तक का बस का किराया फ्री कर दिया जी। अच्छा, जिसकी 1,00,000 से कम इनकम है उसका, जो अब उज्ज्वला योजना के सेंडर भी मिल रहे हैं जी बहुत अच्छी तरह से जी। अच्छा। और सारी सुविधा, बिजली का ब्याज माफ कर दिया, हाँ गैस सस्ती हुई, जमींदारी के लिए सुविधा करी, जो जो माल था वो माफ कर दिया जी, 130 करोड़ रुपए माफ कर दिए माल के, हाँ हाँ वो उसके सारा माफ कर दिया जी, माफ कर दिया, और बस का 1,000 किलोमीटर का किराया माफ कर दिया, और क्या करेगी सरकार पूरा उठा के नहीं। छोरन को नौकरी, नौकरी मिलती है जो नायक है उसको, तो खलनायक को तो मिलेगी नहीं, नायक को तो मिलती है, किसी पढ़ाई लिखाई होगी जिसे नौकरी मिल रही है वो हो ही रहा है, ये तो बेकाम वो कैसा चल रहा है, ये जो बीजेपी सरकार है सैनी सरकार है? कुछ नहीं चल रहा साहब, कुछ नहीं चल रहा है, ये गरीबों की और मजदूरों की किसानों की माटी पीट रहे हैं, माटी पीट रहे हैं, परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ जी, देखिए ये गांव की चौपाल है और ग्रामीण ये लोग इकट्ठे होकर के, चूंकि बारिश हो रही है इसलिए ताश खेल रहे हैं, इन ताश के पत्तों पे ये बड़ी बड़ी समस्याओं पे डिस्कस करते हैं। अब की बार हरियाणा में जो माहौल बन रहा है, जो रोहतक बेल्ट में है, वो आकर के भिवानी में नहीं दिख रहा है, परिस्थितियाँ बदल जा रही है। इसी बीच विनेश फोगाट का मसला हुआ, जो कि वो लेते लेते चुप गई, जिस भी कारण से चुकी उस पर ज़्यादा गाँव वाले बात नहीं करना चाहते, बात ये करना चाहते हैं कि हमारी बिटिया को गोल्ड नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दीजिएगा।